पर्यावरणविद सत्येंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात करके उनसे स्वच्छ पर्यावरण एवं स्वच्छता को लेकर चर्चा की तथा उनको अपनी पुस्तक भारत में स्वच्छता एवं पर्यावरण के मायने भेंट की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सत्येंद्र सिंह को और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। सत्येंद्र जी ने एक पुस्तक लिख करके मुझे दिया है, मैं पुस्तक की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस पुस्तक को पढ़कर के लोग स्वच्छता और पर्यावरण के बारे में जान सकेंगे और ये बहुत अच्छा काम है, अच्छा प्रयास है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सत्येंद्र जी को, उनकी पूरी टीम को। मैं सत्येंद्र सिंह एनवायरनमेंट पे काम करता हूँ और मैंने काफ़ी काम किया है एनवायरनमेंट पे और स्वच्छता पे। हमने उत्थान वाटिका बनाई है गाजियाबाद में कई जगह पर, जिसमें कि हमने पार्कों का डेवलपमेंट किया है, पार्कों में बेंचें लगाई हैं, पार्कों का सौंदर्यीकरण किया है पेड़ पौधे लगाकर, और इसमें हमने जितने भी जहाँ पर पार्क था उसके आसपास के लोगों को जोड़कर हमने ये काम किया है। जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से उन्होंने स्वच्छता पर जोर दिया है और स्वच्छता को किस तरह हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए इसके लिए उन्होंने जोर दिया है। इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं यहाँ पर तब से उन्होंने भी काफ़ी स्वच्छता पर जोर दिया है। हमारा नगर विकास विभाग काफ़ी इस पर काम कर रहा है स्वच्छता पे और हरियाली पे। वेस्ट पे हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल को कैसे यूज़ किया जाए या रिसाइकिल पर हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह से रिसाइकिल करके हम अपने प्रोडक्ट को रीयूज़ कर सकते हैं। घरों में पहले कूड़ा उठाने की व्यवस्था नहीं थी, अब घरों घरों में नगर निगम के द्वारा कूड़ा गाड़ी जा रही है जिसमें कि लोग कूड़ा डालते हैं और फिर उनको सही जगह पर ले जाया जाता है। पार्कों का डेवलपमेंट शुरू हो गया है, पार्कों में डेवलपमेंट हो रहा है। मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि जो जब आप नगर निगम की गाड़ी आपके यहाँ पर आती है और वो आप उसको कूड़ा देते हैं तो उसको अपने घर से ही सेग्रीगेट करके दें, जैसे गीला कचरा और सूखा कचरा उसको आप अलग अलग करके दें तो आगे उनको आसानी हो जाएगी रिसाइकिल करने में और सही जगह पे उसको यूज़ कर। इसके अलावा होम कंपोस्टिंग आप कर सकते हैं अपने घर पर ही। हमने भी अपनी उत्थान वाटिका में होम कंपोस्टिंग का पूरा एक पिट बनाया हुआ है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा सभी लोगों से कि आप अपने घर में सभी के घर के सामने थोड़ी सी जगह आप रखते हैं जहाँ पे कि आप पेड़ पौधे लगाते हैं वहीं पर आप छोटा सा पिट बना सकते हैं जिसमें कि आप होम कंपोस्टिंग का काम कर सकते हैं। इसके साथ ही तमाम होम कंपोस्टिंग के लिए भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, बॉक्स आते हैं, मिट्टी के बर्तन आते हैं जिसमें कि आप होम कंपोस्टिंग का काम आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ आप स्वच्छता पर ध्यान दीजिए, आप अपने घर की गंदगी किसी दूसरे के सामने ना फेंकिए। हम जब विदेशों में जाते हैं तो हम वहाँ पर यही देखते हैं कि कितना साफ है, कितना अच्छा है हमारा विदेश। तो हम जब अपने भारत में आते हैं तो अपने भारत के लिए भी हमें यही सोचना चाहिए कि हमें वहाँ पर क्यों अच्छा है, क्योंकि लोग वहाँ के समझदार हैं, लोग वहाँ पर सोचते हैं कि हमें स्वच्छता रखनी है। हमें सरकार के भरोसे नहीं रहना है कि सरकार हमें सब कुछ करके दे, सरकार एक लिमिट तक कर सकती है लेकिन आपको जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, आप सरकार को सहयोग खुद नहीं करोगे तब तक सरकार आपके घर में आके कूड़ा नहीं साफ करेगी, आपको सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। अगर हम विदेशों की बात करते हैं तो वहाँ पर पब्लिक का भी सपोर्ट मिलता है सरकार को, यहाँ हमें भी जब सपोर्ट हम देंगे सरकार को हम पूरा उनका साथ देंगे, साथ में मिलकर हम उनसे काम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे सरकार के साथ में। तो 100% हमें पूरा विश्वास है कि आपका एरिया, आपका जो कॉलोनी है आपकी, आपकी सोसाइटी बिल्कुल स्वच्छ होगी, हरित होगी और हरी भरी के साथ में स्वस्थ भी होंगे लोग। तो हमारा जो मेन हमारा मोटो है, मेन हमारा जो उद्देश्य है कि अपने भारत को हम किस तरह हरित, स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं। तो जब हमारा भारत हरित और स्वस्थ स्वच्छ होगा तो स्वस्थ अपने आप हो जाएगा। तो इसी दिशा में काम करते हुए मैं लगातार मैं कार्य कर रहा हूँ और आपसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि आप सभी लोग
अपने भारत को, अपने उत्तर प्रदेश को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें, ताकि हम एक मिसाल विदेशों को दे सके कि लोग हमारे यहाँ पर आएं और बताएं कि विदेशों में जाकर कि नहीं, इंडिया, हमारा भारत इतना साफ है, इतना स्वच्छ है। धन्यवाद।